हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आर्ट गुरु मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑयल पेंटिंग के बारे में। तो आपको पता होगा, आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, तो मैं यहां पे एक ऑयल कलर पेंटिंग बना रहा हूं, काफ़ी बिग साइज में है। तो आपने देखा होगा उसके फर्स्ट पार्ट के मैंने कैसे किस तरह से उनका फेस बनाया था और एक कोट बनाया था। काफ़ी सारे वीडियोज़ में उसके रिलेटेड डाल चुका हूँ। तो आज छोटी सी वीडियो है और उसमें थोड़ा सा पर्टिकुलर पार्ट है एक जो आप रियलिस्टिक बना सकते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कि आप रियलिस्टिक किस तरह से बना सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो के पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज आप देख पाएंगे किस तरह से हम एक छोटी सी चीज़ को रियलिस्टिक बना सकते हैं और ऑयल पेंटिंग में किस तरह से काम करते हैं और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। तो आज मैंने ऑयल कलर पेंटिंग का एक काफ़ी छोटा सा पार्ट बनाया है, तो जिसमें मैंने दिखाया काफ़ी अच्छी तरीके से आप एक रियलिस्टिक वर्क कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी कंप्लीट वीडियो है, यहाँ पे आपको रियल टाइम देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें दिखाया गया है। अगर आप ध्यान से देखते हैं और सीखते हैं तो काफ़ी कुछ आप यहाँ पे सीख पाएंगे। और चलिए देखते हैं आज की वीडियो कैसे हम यहाँ पे ऑयल कलर में रियलिस्टिक वर्क करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड जो है इसका कोट का बैकग्राउंड जो है कर लिया है। तो आप देख पाएंगे कोट काफ़ी रियलिस्टिक दिखाई दे रहा है आपको। तो उसके ऊपर जो भी चीज़ें हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे बटन्स हैं और पेन है, चश्मा है, उसको आप किस तरह से बना सकते हैं। तो जब वो पूरा ड्राई हो जाए बैकग्राउंड इसकी, तब उसके बाद आप जो ऊपर वाली चीज़ें हैं, उभरी हुई जो चीज़ें हैं, उनको बाद में बनाइए। तो अभी हम यहाँ पे शेडिंग दे रहे हैं, जो भी हमारे चश्मे की जो डंडा है उसको किस तरह से हम चारों तरफ से शेडिंग देंगे ताकि उसकी परछाई हमारे कोट पे दिखाई दे और वो 3D लुक आए। तो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं ब्रंशियाना और इंडियन रेड, जो काफ़ी अच्छा कलर है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे मैं वाइट भी मिक्स कर रहा हूँ और थोड़ा सा अल्ट्रामेरिन ब्लू, ताकि मैं शेडिंग लगा सकूँ। और ब्राइटनेस के लिए वाइट मिक्स कर रहा हूँ उसमें ब्रंशियाना और इंडियन रेड में। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बनाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सारा पोर्शन है, चाहे छोटी सी चीज़ हो, लेकिन उसमें लाइट, मिडिल टोन और शेड, आपको तीनों चीज़ें दिखानी है वहाँ पे भी। आपको पर्टिकुलर ऐसा नहीं करना है कि आपको सिंपल एक छोटी चीज़ है तो उसमें एक सिंपल शेड लगा सकें, आपको तीन शेड उसमें ज़रूर देने हैं। यहाँ पे हाईलाइट, मिडिल टोन और आपका शेड। जब यहाँ पे तीनों लेयर में आप काम करेंगे तो काफ़ी अच्छा एक रियलिस्टिक लुक देखने को आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से आप कोई सी भी चीज़ हो उसमें जब आप 3 लेयर लगाते हैं, 3 डिफरेंट शेड लगाते हैं कलर के, तो वो काफ़ी अच्छा 3D लुक देखने को मिलता है। बाकी आप और ज़्यादा शेड्स लगाने चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन छोटी चीज़ है तो आप 3 शेड्स यहाँ पर काफ़ी सफिशियंट है। अगर आप इसमें और भी एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं और टाइम से इसको टाइम देना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा और रियलिस्टिक लुक आ सकता है इसमें। तो यहाँ पे मैं पीछे की परछाई बना रहा हूँ, तो इसमें मैंने अल्ट्रामेरिन ब्लू यूज़ करा है ताकि थोड़ा सा ब्लैकनेस वहाँ पे दे सकूँ। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ब्लैक यूज़ नहीं करना है, आपको परछाई देने के लिए बिल्कुल ब्लैक यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारा कोट का कलर जो है थोड़ा सा अल्ट्रामेरिन ब्लू मिक्स है उसमें भी। तो उसी तरीके का कलर आपको थोड़ा सा डार्क करना है अल्ट्रामेरिन ब्लू का मिक्स करके, तो उस तरह का शेड आप यहाँ पे देंगे तो काफ़ी अच्छा एक रियलिस्टिक लुक आएगा। यहाँ पे ब्लैक का यूज़ बिल्कुल मत करिए, जो भी आपको परछाई देनी है उसमें थोड़ा सा, जिस भी कपड़े में आपको परछाई देनी है उसका आप शेड बनाइए, उसको लगाइए वहाँ पर। अल्ट्रामेरिन ब्लू और ब्रंशियाना यूज़ कर सकते हैं, ब्रंडम्पर यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, उसी से आप सारे शेड्स बनाइए और उसी को लगाइए ताकि आपकी जो पेंटिंग है वो रियलिस्टिक लुक आ सके। ब्लैक कलर से एकदम से सपाट उसमें ब्लैकनेस आ जाती है ज़्यादा, तो वो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो यहाँ पे मैं ऊपर यूज़ करा है मैंने वाइट कलर, उसमें थोड़ा सा ब्लैक मिक्स कराया और थोड़ा सा ब्लू मिक्स कराया, तो ताकि वहाँ पे एक अच्छी तरीके से रियलिस्टिक लुक दिखाई दे सके आपको। तो यहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे प्रोसेस है, ये बहुत आराम से आपको बनाना है, बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी इसमें। अगर आपको रियलिस्टिक बनाना है कुछ भी चीज़ें
तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए कि आपकी ड्राइंग जो है काफ़ी लंबा टाइम ले रही है, इस बात का आपको ध्यान नहीं रखना है। तो आपको सिर्फ रियलिस्टिक बनाना है तो आपको रियलिस्टिक पे ही ध्यान देना है कि आपको उसमें कौन सा शेड्स लगाना है, कौन सी हाईलाइट्स लगानी है, कहाँ पे हाईलाइट्स लगानी है, कहाँ मिडिल टोन लगानी है। तो उस चीज़ को प्रॉपरली आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से मेज़र करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें समझ में आएगा। चीज़ों को अपने सामने रखिए और उसमें देख के बनाइए। आप जब रियल में देखेंगे उस चीज़ को तो वो कैसी दिखाई देती है उस चीज़ का, फिर आप कलर उस चीज़ के शेड्स बनाइए, कलर बनाइए, तो उस चीज़ की लाइट बनाइए, शेड्स बनाइए और मिडिल टोन्स बनाइए, उसको लगाइए, काफ़ी अच्छा रियलिस्टिक लुक आपको देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पे हम पेन बना रहे हैं तो हमने सबसे पहले यहाँ पे वाइट कलर यूज़ किया है, तो वाइट की एक वाइट वॉश लगा लिया क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाइट पेन बनाने वाला हूँ। उसमें थोड़ा सा ब्लैक और ब्लू मिक्स करने के बाद यहाँ पे उसमें शेड्स लगा रहा हूँ ताकि उसमें तो जो 3D लुक है उसका वो कंप्लीट कर सकूँ मैं। यहाँ पे जो पीछे की परछाई है वो भी आप देख पाएंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अल्ट्रामरीन ब्लू यूज़ कर रहा हूँ उसमें, तो आप देख पाएंगे। कोई सा भी आप पेन बनाना है, कोई भी चीज़ बनानी है आपको, तो आपको यही प्रोसेस ध्यान में रखना है, आपको 3 शेड्स ज़रूर लगाने हैं। होप आपको वीडियो काफ़ी कुछ समझ में आया होगा वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, नीचे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी और कितना रियलिस्टिक लुक हम दे पाए हैं यहाँ पे। इसी तरह की वीडियोस मैं आगे भी आपके लिए लेके आता रहूँगा। होप अगर आप ऑयल पेंटिंग बनाना चाहते हैं तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से ऑयल पेंटिंग बना सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप भी ट्राई करते रहिए, बनाते रहिए, कैनवास पे, पेपर पे, किसी पे भी ऑयल पेंटिंग अगर आप बनाना चाहते हैं तो ज़रूर से बनाने की कोशिश कीजिए और उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए अगर आप रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।